हेलो एवरीवन, सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस अच्छी तरह देखे होंगे, आपको अच्छा समझ गया होगा पूरा। तो आज हम लेकर आए गाइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट वीडियो, दैट इज़ OSI रेफरेंस मॉडल। ओके, सो ये जो वीडियो है और ये जो टॉपिक है नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ध्यान से इसे सुनिए गाइस, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सो लेट मी स्टार्ट गाइस। सो द OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इट्स अ मॉडल, इट्स अ कंसेप्चुअल मॉडल दैट कैरेक्टराइजेस एंड स्टैंडर्डाइजेस द इंटरनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बाय पार्टिशनिंग इट इनटू एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स। तो ये OSI क्या करता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में एज अ इंटरनल फंक्शन काम करता है और इसमें जो भी लेयर्स उसको पार्टीशन करके एब्स्ट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। तो OSI मॉडल इज अ पार्ट ऑफ ISO। सो वॉट इज़ ISO? ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें 7 लॉजिकल लेयर्स होते हैं, 7 लॉजिकल लेयर्स होते हैं। देन इसमें क्या होता है, अ लेयर सर्व्स द लेयर अबो इट एंड इट इज़ सर्व्ड बाय द लेयर बिलो इट। सो कैसा होता है, बेसिकली नेटवर्किंग में हम दो या दो से ज़्यादा सिस्टम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो अभी ये क्या करता है, सातों लेयर्स, हर डिवाइस में सातों लेयर्स होते हैं, मतलब हमें दिखता नहीं हो बट बैक एंड में वो प्रोसेस चलती रहती है। इट होल्ड्स द एब्स्ट्रैक्शन एज आई टोल्ड यू, ठीक है। तो इसमें जैसे भी स्टार्टिंग का लेयर, उसका एप्लीकेशन लेयर का सबसे टॉप लेयर होता है इसका, तो शुरुआत होते होते डाउन में जाएगा ये फिजिकल लेयर पे। उसके बाद में ये हो गया पहले डिवाइस का। अब बी डिवाइस में जब वो जाएगा रिसीव होते हुए, डेटा रिसीव होएगा तो वो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, उसके ऊपर जो भी लेयर से ऐसा करते करते जाएगा एप्लीकेशन। डेट्स वाई यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा गया है कि अ लेयर सर्व्स द लेयर अबो इट एंड इट इज़ सर्व बाय द लेयर बिलो इट, ठीक है। सो इन दिस नेटवर्किंग मॉडल ईच लेयर वर्क्स एज अ सेपरेट एंटिटी एंड इम्प्लीमेंट्स द फंक्शनैलिटी एंड प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर कम्युनिकेशन। सो बेसिकली इसमें हर लेयर का अपना खुद का इंडिपेंडेंट काम होता है एंड इट एक्ट एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और वी कैन से इट एक्ट एज अ डिफरेंट एंटिटी, ओके। इसका हर डेटा से हेल्प तो लेता है, लेकिन इसका खुद का भी अपना एक फंक्शन होता है, खुद का भी एक अपना फीचर होता है, वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है नेटवर्किंग में, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। सो दिस OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 टाइप्स ऑफ लेयर्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर टॉप लेयर है, लेकिन शुरुआत इसकी होती है फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर विल बी द वेरी फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक दिस। सो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर आर एक्ट एज अपर लेयर्स, देन सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर आर एक्ट एज अ मिडल लेयर्स, देन डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आर एक्ट एज अ लोअर लेयर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी लेयर्स वन बाय वन। सो व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर? सो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, इट इज़ यूज टू इंटीग्रेट्स द नेटवर्क फंक्शनैलिटी इनटू होस्ट एंड एनेबल्स नेटवर्क सर्विसेज। अभी कोई डिवाइस में हम नेटवर्किंग के लिए कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, वॉट एवर इट मे बी। सो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या होस्ट डिवाइस भी क्या करता है, वो नेटवर्क सर्विसेज को एनेबल करता है, कौन? एप्लीकेशन लेयर। सो द एप्लीकेशन लेयर provides the capability for services to operate on the network. This service includes file services, print services, message services, etc. ठीक है, तो इसमें कुछ सर्विस होती है लाइक फाइल सर्विसेज, फाइल ट्रांसमिशन, प्रिंटिंग सर्विसेज, देन मैसेज सर्विसेज एक्सेट्रा। यूज़र बेसिकली वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर पे, एंड यूज़र को कुछ पता नहीं होता है, एंड यूज़र सिर्फ एप्लीकेशन लेयर को व्यू कर सकता है, ही कैन एबल टू व्यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीमेल हो गया, जीमेल से हम डेटा सेंड करते हैं, तो हम सेंड करते हैं, हमें वो दिखता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। सो एप्लीकेशन लेयर में कुछ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक HTTP, FTP, SMTP एक्सेट्रा। सो HTTP क्या होता है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द डेटा इनटू द वेब, और FTP क्या होता है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम लोकल सिस्टम टू द रिमोट सर्वर, वी कैन से, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड लेयर इज़ अ प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, इट इज़ यूज टू प्रेजेंट डेटा इन टू कंपेटिबल फॉर्म अपॉन रिसीविंग द डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। सो जैसी प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव करता है, तो वो डेटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। मीन्स वॉट, डेटा कौन सा फॉर्मेट है डेटा का, लाइक इट मे बी PDF फॉर्मेट, और वो वर्ड फॉर्मेट है, या वो इमेज फॉर्मेट है, या वो वीडियो फाइल है, वॉट एवर इट मे बी, तो उस पर्टिकुलर डेटा को वो प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। सो दिस प्रेजेंटेशन लेयर इन कंटेंस फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डेटा बिटवीन सिस्टम। डेटा को फॉर्मेटिंग करता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेट करता है, उसके बाद में डेटा को ट्रांसफर करता है। इट ऑल्सो कंटेंस
encapsulation of data into message, envelopes by encryption and compression. Encapsulation मतलब encapsulation means data को wrap करता है, wrapping करके वो data को आगे forward करता है. Wrapping करता है दो फीचर से, विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन. अब कंप्रेशन क्यों करता है, डेटा का साइज कम कर देता है. ठीक है, जैसे यूजुअली हम करते हैं ना, मेल सेंड करते वक्त हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका साइज कम होकर वो नेटवर्क के थ्रू जा सके. और इनक्रिप्शन क्यों करता है, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इनक्रिप्शन करता है उसको. सो प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड सम फाइल फॉर्मेट लाइक जेपीईजी, बीएमपी, एमपीईजी, आस्की एंड एमआईडीआई. सो दीज आर सम मल्टीमीडिया एंड इमेजेस फाइल फॉर्मेट्स. वैसे तो पीडीएफ भी होता है, PDF भी उसका डॉक्स फॉर्मेट भी हम यूज़ कर सकते हैं. वी कैन ट्रीट दोज ऑल्सो इन दिस प्रेजेंटेशन लेयर. सो नाउ वी विल गोइंग टू सी द सम मिडल लेयर्स. सो मिडल लेयर्स में क्या होता है, सेशन लेयर होता है. थर्ड वन इज द सेशन लेयर. तो सेशन लेयर का काम क्या है, सेशन लेयर फंक्शंस आर प्राइमरीली फॉर मैनेजिंग द सेशंस इन विच डेटा इज ट्रांसफर्ड. सो डेटा ट्रांसमिशन के पहले बिटवीन टू इंटेंडेड रिसिपेंट्स के बीच में सेशन क्रिएट होता है. सेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि दोनों डिवाइस यू नो श्योर कर लेते कि जो डेटा भेजना है हम दोनों है या फिर नहीं. इट मीन्स वॉट, कैसा होता है, ये हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करके सेशन एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, देन एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन सेशंस बिटवीन द नेटवर्क होस्ट इंश्योरिंग दैट डेटा इज ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, डेटा ट्रांसपोर्ट होने के बाद में भी एक सेशन होता है और डेटा ट्रांसफर होने के पहले भी एक सेशन क्रिएट होता है. इसमें ऑथराइजेशन होता है यूज़र का और यूज़र वेरिफिकेशन होता है. देन मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल सेशंस, ईच क्लाइंट कनेक्शन इज कॉल्ड अ सेशन. अ सर्वर कैन मेंटेन थाउजेंड्स ऑफ सेशन एट अ टाइम. एक सर्वर नंबर ऑफ सेशन को हैंडल करता है. सो ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन नेटवर्क होस्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसफर. डेटा ट्रांसफर होने के बाद में ही सेशन एक सेशन मेंटेन करता है. तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं लाइक NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, RPC स्टैंड्स फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल. देन आता है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो दिस इज अबाउट द सेशन लेयर. अनदर पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट लेयर. फोर्थ वन इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर. अभी तीनों चीज़ें हो चुकी है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन. अब आता है एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड एज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. सो इट प्रोवाइड्स द ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन एंड यूजर्स, दो सिस्टम के बीच में. सो इट प्रोवाइड्स द रिलायबल डेटा ट्रांसफर एंड मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी. डेटा ट्रांसफर मतलब रिलायबल डेटा ट्रांसफर, ट्रस्टी डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड करता है और इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिसीव लार्ज पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हायर पैकेट्स. सॉरी, इट इज ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव लार्ज पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेयर्स एंड ब्रेक देम इन टू स्मॉलर पैकेट्स कॉल्ड एज सेगमेंट्स. तो क्या करता है, जैसे ही उसके पास डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में, वो टुकड़े करता है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स. ठीक है, तो इट परफॉर्म्स एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंड आइडेंटिफाई होस्ट पैकेट फॉर रिट्रांसमिशन. ठीक है, जैसे ही वो एरर डिटेक्शन भी करता है और अगर उसने सेंस किया कि कोई डेटा लॉस हो चुका है, तो फिर से वो यूज़र को यू नो एक्नॉलेजमेंट दे के बोलता है कि डेटा को रिट्रांसमिट कीजिए. तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर कंटेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक TCP एंड UDP. सो TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और वी कैन से ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ओके, देन फिफ्थ वन विल बी नेटवर्क लेयर. सो नेटवर्क लेयर क्या करता है, नेटवर्क लेयर डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज रूटेड अक्रॉस नेटवर्क्स एंड ऑन द डेस्टिनेशन. मतलब किस रूट से डेटा दूसरे नेटवर्क पे जा रहा है या दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, वो काम करते हैं नेटवर्क लेयर. ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में डेटा इसमें आता है नेटवर्क लेयर पे. सो डेटा रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. समझ रहे हो, डेटा को पैकेट के रूप में यहाँ पे डेटा यहाँ पे पैकेट के फॉर्म में यू नो कन्वर्ट होता है. सो बेसिकली द मेन फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर इंक्लूड्स मेंटेनिंग एड्रेसेस ऑफ नेबरिंग रूटर्स. रूटर एक डिवाइस होता है इसमें जो बेसिकली डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करके अपने खुद के एल्गोरिथम लगाता है, जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम या RIP राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता है. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेंटेनिंग द लिस्ट ऑफ नोन नेटवर्क्स. वो एक ARP यूज़ करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. उसमें वो उस प्रोटोकॉल का यूज़ करके वो नेबरिंग नेटवर्क्स का भी यू नो अकाउंट रखता है. राउटर्स वर्क इन नेटवर्क लेयर एंड आर यूज टू सिलेक्ट बेस्ट ऑप्टिमाइज पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन. इट ऑल्सो मेंटेन्स लिंक रिलायबिलिटी. लिंक होती है, जैसे कि नेटवर्क में हर डिवाइस का कनेक्शन होता है लिंक. सो लिंक का रिलायबिलिटी चेक करते हैं नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर यूजेस द पैकेट फॉरवर्डिंग टेक्निक टू सेंड डेटा एट द इंटेंडेड डेस्टिनेशंस. पैकेट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करता है राउटर.
वो यूज़ करता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन अ प्रॉपर वे एंड इन अ डिलीवरेबल मैनर. सो फिफ्थ वन सॉरी सिक्स्थ वन इज अ डेटा लिंक लेयर. सो द डेटा लिंक लेयर इज अ प्रोटोकॉल लेयर इन अ प्रोग्राम दैट हैंडल्स द मूविंग ऑफ डेटा इन टू एंड आउट ऑफ फिजिकल लिंक इन द नेटवर्क. डेटा को एक्चुअली फिजिकल लिंक में पहुँचाता है कौन? डेटा लिंक लेयर. सो ये सेकेंड लेयर होता है इस सेवन मॉडल पे. ठीक है, इट ट्रांसफर डेटा बिटवीन नोड्स ऑन अ नेटवर्क सेगमेंट. नेटवर्क सेगमेंट होते पर्टिकुलर नेटवर्क नोड्स होता है, जैसे होता है ना हम कनेक्शन होता है कनेक्शन पॉइंट, उस कनेक्शन पॉइंट पे डेटा पहुंचाने का काम कौन करता है? डेटा लिंक लेयर. ठीक है, इन दिस लेयर डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज फ्रेम्स. यहाँ पे डेटा एज अ फ्रेम में रिप्रेजेंट होता है. सो दिस कंटेन्स द लैंड प्रोटोकॉल्स. बेसिकली डेटा लिंक लेयर कैसा होता है, लोकल नेटवर्क पे डेटा आ जाता है. तो इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? इथरनेट, टोकन रिंग एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. सो डेटा लिंक लेयर में और दो सब लेयर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैक एंड LLC. मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल. सो इट डिफाइंड स्टार्ट एंड स्टॉप इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम. फ्रेम का हिडर और फूटर क्या है वो चेक करता है. इट यूजेज CRC algorithm. CRC stands for cyclic redundancy check, which is used for error checking of the data. Then logical link control. So ये क्या करता है? LLC is responsible for orderly delivery of frames to through sequencing. ये sequencing का concept use करके डेटा को ऑर्डर फॉर्मेट में भेजता है, जैसे कि 1, 2, 3 लाइक दिस और ABCD. इस सीक्वेंस में डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द फ्लो और रेट ऑफ ट्रांसमिशन यूजिंग एक्नॉलेजमेंट, बफरिंग एंड विंडोइंग टेक्निक. ये तीनों एक्नॉलेजमेंट बफरिंग एंड विंडोइंग टेक्निक, इस तीनों टेक्निक का यूज़ करके ये क्या करता है? डेटा का फ्लो कंट्रोल करता है. कौन? LLC. सो लास्ट लेयर इज अ फिजिकल लेयर, दैट इज फर्स्ट वन. The physical layer of the OSI model sets standards for sending and receiving electrical signal between devices. So basically exactly यहाँ पे data क्या होता है, यहाँ पे आके data transfer होता है with the help of electrical signals. ठीक है, so ये physical layer क्या करता है, किस तरह digital data जो binary data है किस तरह convert होता है electrical pulses में. ठीक है, तो यहाँ पे होता है concept use modulation and demodulation and is a process of converting a signal from one form to another so that it can be physically transmitted. ठीक है, डिजिटल डेटा कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होता है, उसके बाद में डेटा ट्रांसफर होता है. इट एंश्योर्स द बिट बाय बिट डिलीवरी. देन फिजिकल लेयर डिटेक्ट्स कोलिजन एंड अवॉइड्स द कंजेशन प्रॉब्लम्स कॉज बाय अनडिलीवरेबल पैकेट्स. इट मीन्स वॉट फिजिकल लेयर कोलिजन डिटेक्ट करता है. कोई दो डेटा टकरा गए तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा. ठीक है, ट्रैफिक ना बढ़े इसलिए वो कंजेशन ना बढ़े इसलिए वो खुद के अल्गोरिथम लगा के क्या करता है, कोलिजन डिटेक्शन करता है और उसके बाद में कंजेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करता है. ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द OSI रेफरेंस मॉडल. ठीक है, जो सातों लेयर मैंने एक्सप्लेन किया अभी, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. ठीक है, और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी काफ़ी सारे वीडियो मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच.